Hello friends, welcome to my channel Minjicom. My name is Albert. So my dear friends, पिछले कुछ वीडियो से हम स्किन यानी कि मोबाइल बैक स्किन की ही हम बात कर रहे हैं. So आज मैं कुछ और एक कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताने की कोशिश करूंगा. अकाउंट मैंने लगभग 3 अकाउंट्स मैंने दिखाया हुआ है, आज भी एक अकाउंट दिखाऊंगा. इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें मोबाइल बैक स्किन की प्राइस वगैरह क्या रखें. तो एक मेरा टिप्स रहेगा कि जब भी आप अगर मोबाइल स्किन का जो लिस्टिंग बनाते हैं मोबाइल बैक स्किन का, तो इसमें प्राइस आप देख सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट डे में मैंने दिखाया था 179-190 के आसपास का प्राइस रेंज मैंने दिखाया हुआ था, राइट. सो प्राइस इसका निर्धारित ऐसे करें, इसको दो तरीके से आप प्राइस निर्धारित कर सकते हैं. कुछ इमेज की क्वालिटी के बेस पे प्राइस आप सेट कर सकते हैं कि आपको देखिए, आज मैंने कुछ फिल्टर लगाया हुआ है 200 के आसपास के, यानी कि 200 से ऊपर के जो प्राइस हैं. कुछ सेलर्स का प्राइस अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही रैंडम प्राइस भी है. कुछ सेलर्स जानबूझ करके प्राइस थोड़ा ज्यादा रखते हैं और रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. आप प्राइस आप देखेंगे 200-250-300 तक के ये जो बैक स्किन बिकते हैं, प्राइस आप ज्यादा रखेंगे डेफिनेटली उसमें आपका मार्जिन अच्छा मिलेगा. सो यस, डेफिनेटली प्राइस ज्यादा रखने का फायदा यह है. सो इससे नहीं घबराना चाहिए कि आपका जो प्राइस ज्यादा हो तो कम सेल होगा. शुरुआती दौर पे आप प्राइस ज्यादा ही रखें. मेरा सजेशन, मेरा टिप्स ये रहेगा, सबसे पहले आप प्राइस कम से ज्यादा नहीं करना चाहिए. प्राइस पहले शुरुआती दौर पे ज्यादा रखना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कम कर सकते हैं. वो कई मामले में, कई मैनों में मैटर करता है. अब कम रख करके फिर ज्यादा बढ़ाएंगे वो आपके अकाउंट में भी समहाउ वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. लेकिन अगर आप एक बार मान के चलिए 300 रुपीज से शुरू करते हैं, उसको धीरे धीरे कम करिए या फिर 250 के आसपास का, 249 के आसपास का प्राइस रखिए, उसके बाद कम रखेंगे तो डेफिनेटली ये आपके अकाउंट के लिए भी अच्छा है. और एवरेज प्राइस अगर आप देखें 200 के आसपास, 250 के आसपास का प्राइस में बहुत अच्छा मतलब चल जाता है. ऐसा नहीं है कि इनका भी नहीं बिकता. और दूसरा टिप्स मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो क्वांटिटी के मामले में, क्वांटिटी इन द सेंस लिस्टिंग की क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, लिस्टिंग की क्वांटिटी आप जितना ज्यादा रखेंगे और ये आपका डेफिनेटली फायदेमंद होगा. अगर आप सोचते हैं कि जो फोटोशॉप वगैरह से जिस तरीके से बना करके आप हजार दो हजार की जो लिस्टिंग बना करके आप चाहेंगे कि इसकी जो सेल्स बढ़ाने की, तो सेल्स नहीं होगा ऐसा तो नहीं है. पर जो जिस तरीके से मैं डिटेल्स दिखा रहा हूं, जो कि आपका जो 20-30 हजार की जो लिस्टिंग है और जिनका जो ऑर्डर है 10,000-20,000 जो ऑर्डर है, और आप सोचेंगे कंपीट करना चाहेंगे कि जिनका जो लिस्टिंग है 1,000 के आसपास, अगर मैन्युअली करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. आप सोचेंगे कि 1,000 लिस्टिंग, या कई लोग, अब जब से मैं इस वीडियो सीरीज को मैं बना रहा हूं तब से मैंने कई लोगों का मैंने सुना देखा, वो कह रहे हैं कि मैंने इतना इमेज डाउनलोड करा, 100-200-300-400. इतने में टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बुरा नहीं. स्टार्ट करना जरूरी है. अगर आप कम से भी शुरू कर रहे हैं, आपको आइडिया मिलेगा, करना चाहिए, वो अच्छी बात है. स्टार्ट कर लेना सही है, अच्छी बात है, कुछ आइडिया मिल जाएगा. लेकिन आप सोचेंगे कि आप जिनका 22,000-30,000-40,000 लिस्टिंग है, 50,000-60,000 की लिस्टिंग है, उनके साथ अगर कंपीट कर लेंगे और उस तरीके से ऑर्डर आप सोचेंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे कि 10,000-20,000 ऑर्डर पर मंथ का, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. तो इस चीज को भी आपको सोचना पड़ेगा. इसके अलावे जो सेल्स बूस्ट का जो टिप्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उनको भी आपको देखना, सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो ये मेरा दूसरा टिप्स था. जो पहला क्या था, जो पहला मैंने बताया कि आप जो लिस्टिंग जो एक मैंने बताया कि प्राइस किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं. दूसरा मैंने बताया कि जो लिस्टिंग की क्वांटिटी, इस चीज, इन दोनों पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, तभी आपको जो आपको जहां तक मार्जिन की बात करें तो अच्छा मार्जिन मिल सकता है. या फिर आप बात करें जो सेल्स बूस्ट की, तो सेल्स बूस्ट आपका तभी हो सकता है जब आपका लिस्टिंग ज्यादा हो. इसके अलावे जो सेल्स बूस्ट के लिए मैंने और ऑलरेडी सेल्स बूस्ट का एक ऑलरेडी एक
प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ, मेरा चैनल जब ओपन करेंगे वहां प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो सेल्स बूस्ट के रिलेटेड है तो वहां से आप चेक कर सकते हैं सारे टिप्स को आपको फॉलो करना, तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो आज का जो अकाउंट में दिखाने वाला हूं, जिसमें कुछ यूनिक चीजें मैं बताने वाला हूं। सो यूनिक चीजें क्या है इसमें, आप मैं आज इसमें भी आपको लिस्टिंग दिखाता हूं। इसमें लिस्टिंग थोड़ा सा कम है, आप लिस्टिंग देखिए यहां पे, इसमें 9607 यानी कि 9607, इसमें लिस्टिंग थोड़े से कम है। स्टार्टिंग रीसेंट अकाउंट है, रिसेंटली ये अभी हमने इसमें इसमें लॉन्च करके रिसेंट ही हमने इसमें डाला हुआ है लिस्टिंग 9000 के आसपास, और प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया था 22000 लिस्टिंग, फिर 37000 लिस्टिंग, फिर 64000 लिस्टिंग, ये आपका 9000 सबसे लोवेस्ट लोवेस्ट अभी तक है। सो इसमें भी अगर आप 9000 है तो इसमें यस डेफिनेटली इसमें आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन ही इसमें 9000 यहाँ पे लिस्टेड है, तो मैं इसको फिर से फिल्टर करके भी दिखा देता हूँ लोगों को, अदरवाइज लगेगा इसमें हो सकता है और मोबाइल और अदर वर्टिकल्स के भी लिस्टिंग होंगे, ऐसा ना लगे इसलिए मैंने मोबाइल स्क्रीन सेलेक्ट करा। यहाँ पे 9607 है, मैंने अप्लाई करा तो यहाँ पे टोटल दिख रहा है 9607, मतलब इसमें भी केवल बैक स्क्रीन ही है, बैक स्क्रीन के अलावा कोई भी अदर प्रोडक्ट्स नहीं है, ये आपको देखने को मिल गया। अब हम बात करते हैं इसका जो ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर्स में देखिए, ऑर्डर से सबसे पहले मैं सबसे अच्छी बात तो ये बताना चाहूंगा, देखिए एक दिन का अभी 53 ऑर्डर्स के आसपास है, एक दिन में 53 अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों में कम था, तो अभी 53 पर डे के हिसाब से समझ लीजिए कि अब ये एवरेज अभी इसके हिसाब से नहीं है, ये आपका 1745 1800 के आसपास का जो ऑर्डर है लास्ट 30 डेज में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऑर्डर्स कम थे, लेकिन अभी ये जो एवरेज देख रहे हैं 53, ये आपका 53 जब आपका जो यानी कि कुछ दिनों का जो एवरेज 20-30 दिनों के एक महीने के बाद जब देखोगे इसका एवरेज काफी अच्छा खासा सुधर जाएगा, यानी कि 50x30 के आसपास का तो काफी अच्छा खासा ऑर्डर आ जाएगा। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि आपका जो मान के चलो अभी आपका जो 50 है, अभी ऑलमोस्ट 50 आने लगा है, तो 15x30 आपको थोड़ा सा आपका आइडिया लग जाएगा कितना आ सकता है। और 1800 जो ऑर्डर आए उसके हिसाब से भी अगर आप 10 रुपए के हिसाब से भी मार्जिन अगर रखेंगे तो आपका आराम से आपका 18000 के आसपास आ जा रहा है, बचत की बात कह रहा हूं, बचत 18000। अगर हम इसका एवरेज पेमेंट जो अभी लास्ट 30 डेज का जो देखेंगे तो 14000 के आसपास आ रहा है, जो कि सही है, अभी शुरुआती दौर पे 10000 बुरा नहीं होता अभी, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली शुरू करा है हमने इस अकाउंट के लिए वर्क करना, तो यहाँ आप देख भी सकते 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक का जो आपको दिख रहा है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें भी बेटर अपॉर्चुनिटी है। बस बात यह है कि आपको जो लिस्टिंग की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और प्राइस भी आपको ठीक ठाक रखना पड़ेगा इनिशियली। मेरा ये पहला टिप्स रहेगा कि आप प्राइस आप कम से ज्यादा मत करिए, पर ज्यादा से आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं, तो ये चीज टिप्स जरूर फॉलो करिएगा, बाद में आपको ये समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसे बोला था। सो ये जो वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा कि यस मोबाइल बैक स्क्रीन में क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना आप अर्निंग कर सकते हैं। तो जितने भी CO2 लेजर कटिंग मशीन है या प्लोटर है, तो आपने ऑलरेडी अगर 50-60 हजार इन्वेस्ट करा है तो थोड़ा सा आप और इन्वेस्ट करके और टाइम इन्वेस्ट करके देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कुछ ना कुछ, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न तो डेफिनेटली मिल जाएगा। और इसके बाद कुछ वीडियो की सीरीज में बताऊंगा कि जो कैटलॉग बनाते हैं, इनका जो कैटलॉग बनाते हैं, जैसे कि एक दिन में आप 500-1000 का टारगेट लेकर चलिए, ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, एक घंटे काम करिए, एक घंटे में 500 आप लिस्टिंग आराम से बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम लगेगा इमेज को डाउनलोड करने में, इमेज को डाउनलोड कर करके रखते रहिए, क्योंकि इमेज डाउनलोड करने में ही आपको टाइम लगेगा, बाकी कैटलॉग तो आपका जो 500 कैटलॉग आप मात्र 10 मिनट में बना सकते हैं, और 10 मिनट बनाने के लिए आपको जो टाइम लगेगा, आपको कैसे बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो स्क्रीन गार्ड का मैंने बताया हुआ था कि स्क्रीन गार्ड में 1500 लिस्टिंग आप
थोड़ी देर में 10 मिनट 15 मिनट में कैसे बना सकते हैं, वो वीडियो को जरूर देखें आप, जिसको आपको हेल्प मिलेगा। थोड़ा सा चेंजेस आया है फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप जो अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज करा है, पर उतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या होता है उसकी, जो यानी कि आप जब लिस्टिंग बनाते हैं क्या थोड़ा सा माइनर चेंजेस हैं, इस चीज को भी मैं डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और कुछ टिप्स भी बताने की कोशिश करूंगा, ये जो दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप जो मोबाइल बैक स्क्रीन का जो लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सो इतना मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को एक आइडिया बता रहा हूं, अदरवाइज अब तक जो अब तक मैंने क्रेज देखा है कि जब से मैं इस चीज को बताने लगा बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होने लगे हैं बताने, उनको इधर मोबाइल बैक स्क्रीन सेल करने की सोच रहे हैं, यानी कि उनको डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। तो गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो डेफिनेटली आप लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, फ्री होता है, लाइक कर देने में क्या जाता है, और अगर वीडियो को वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, हो सकता है आपको कोई कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, नोटिफिकेशन आएगा, तो इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को, इतना जब मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, इसका कोई भी कॉस्ट मैं आपको चार्ज नहीं कर रहा हूं, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरीके से सपोर्ट, कुछ लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से सपोर्ट आपका बना रहेगा डेफिनेटली। मैं और भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के रिलेटेड, डेफिनेटली मैं उनको भी गाइड करता रहूंगा। पहले इससे पहले मैं स्क्रीन गार्ड के रिलेटेड बताया और कुछ मोबाइल एक्सेसरीज के रिलेटेड बताया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे टिप्स हैं जिसको मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं और अच्छे से शो कर सकता हूं प्रूफ के साथ, और आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, डेफिनेटली आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो आज की वीडियो में इतना ही, आप भूलिएगा नहीं लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताइए। सो यही फिनिश करते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।